फाइनली हम लोग अंदर घुस चुके हैं और गाइस हिस्ट्री में पहला बार हो रहा है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ पे परमिशन तो है नहीं ब्लॉग करने का। ये पीछे जो मेरे पेड़ देख रहे हो, यहीं पे स्वामी जी बैठते थे और अपने जो विजिटर लोग आते थे उनसे मीट करते थे, उनको देखते थे। यहाँ पे खुलने वाला है उसके हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही खुलेगा हम लोग फट से अंदर चल जाएंगे, आपको दिखा देंगे। फाइनली अंकित यहाँ पे आ चुका है एयरपोर्ट से, तो कैसा लगा तेरा जर्नी, क्या मजा आया जर्नी में? सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग वीडियो। होप कर रहा था कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी मैं हूँ कोलकाता में गाइस दक्षिणेश्वर मंदिर में। तो आपको पूरा यहाँ मैं टूर देने वाला हूँ। पीछे देख सकते हो मेरा दक्षिणेश्वर मंदिर अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही मजा होने वाला है। पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, व्लॉग को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते, आपको दिखाते हैं। तो चलो इसके अंदर घुसते, आपको दिखाते इसके अंदर क्या है। गाइस अभी हम लोग गंगा के घाट में आ चुके हैं दक्षिणेश्वर मंदिर के बगल में। तो देख सकते हो पूरा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे सब लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं और ये पूरा गंगा है गाइस। और पीछे गाइस दक्षिणेश्वर मंदिर में आपको दिखा दूंगा आगे भी जाके, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नजर है। तो भैया जी अब क्या पकड़ रहे हैं यहाँ पे? सुबह सुबह लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे हो, अरे शर्म करो। तो गाइस फाइनली हम लोग अंदर घुस चुके हैं और गाइस हिस्ट्री में पहला बार हो रहा है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ पे परमिशन तो है नहीं ब्लॉग करने का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? छुप छुप के गाइस, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो व्यूज चाहिए गाइस, अपन को व्यूज चाहिए। चलो मैं आपको और ज्यादा चीज दिखाता हूँ, फुल मजे करेंगे। फाइनली अपन मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, जितना मैं दिखा सकता था उतना मैं आपको अंदर दिखा दे गाइस। इससे ज्यादा अलाउड नहीं था गाइस अंदर कैमरा यूज करना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जूता रखा हुआ है, तो देखते हैं हम लोग का जूता है भी या कि नहीं वहाँ पे। तो आगे तरफ जूता रखा हुआ है, तो मेरा भाई भी आ रहा है पीछे पीछे, और कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। तो आगे तरफ हम लोग का जूता है, देख सकते हो यहाँ पे मेरा जूता है। तो गाइस अभी हम लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं। तो ये रहा ये गेट, मेन गेट, और उस साइड मंदिर था। तो ये रहा बाहर का तरफ, और बाहर में हम लोग अभी कुछ खाने के लिए जाएंगे गाइस, अपन की मम्मी भी वहीं पे है। सो गाइस यहाँ पे अभी ऑरेंज लेने के लिए आए, तो देखते हैं फ्रेश ऑरेंज लग रहा है तो भैया जल्दी लेते हैं। तो अभी मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट में आए, अभी हम लोग छोला भटूरा ऑर्डर किया है, इसे खाते हैं चलो। उसके बाद हम लोग निकलेंगे गाइस बेलूर मार्ट के लिए, वहाँ पे जाके ब्लॉग शूट करेंगे आगे का। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले नाव पकड़ के बेलूर मार्ट, जो कि गाइस गंगा के उस पार है। तो वहाँ पे पूरा दिखाएंगे गाइस, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद रहते हैं। यहाँ पे लाइन देख सकते हो, आगे लाइन पकड़ के हम लोग जा रहे हैं और अभी आगे हम लोग भी जाने वाले। तो देखते हैं गाइस नाव मिलता है कि नहीं। हम लोग ने टिकट भी कर लिया है, 11 रुपीज पर हेड का टिकट है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे मस्त बैठे हुए हैं गाइस लॉन्च के अंदर, और यहाँ से भी 2 मिनट लगेगा जाने के लिए। यहाँ पे नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। मैं आपको यहाँ का नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो भाई, और मेरा भाई भी यहाँ बैठा हुआ है, और बहुत ही खूब नज़र आ रहा है यार। तो गाइस आपको वहाँ पे जाके भी दिखाएंगे, बहुत सुंदर होने वाला है गाइस। और आगे तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं इस साइड आ चुका हूँ, और मज़े आने वाले हैं गाइस। पूरा ब्लॉग को एंड तक देखना। गाइस अंदर तो घुस चुके हैं पर भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही है गाइस। सब लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आ चुके हैं आज। मुझे लगता है अब मेरा किस्मत ही आज खराब है गाइस, जहाँ भी जा रहा हूँ पूरा भीड़ भीड़ दिखाई दे रहा है। आगे तरफ मंदिर है गाइस, मंदिर खुला नहीं है, तो मंदिर खुलने का वेट कर रहा हूँ। और थोड़ा ज़्यादा भीड़ इसलिए है क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है गाइस पीछे। पे खुलने वाला है उसके हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही खुलेगा हम लोग फट से अंदर चल जाएंगे, आपको दिखा देंगे गाइस। मुझे पता नहीं कैमरा अलाउ है कि नहीं, अगर अलाउ होगा तो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। और भीड़ देख सकते हो पीछे साइड, बहुत ही सही वाला भीड़ है यार। तो यहाँ पे देखो लाइब्रेरी जैसा कुछ है यार विवेकानंद का, यहाँ पे यहाँ से आप लोग बुक वगैरह पढ़ सकते हो लेके। सो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर है और देख सकते हो विवेकानंद के आपको हर टाइप के यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज के। इस साइड लेके चलते हैं आपको, और ये हिंदी सेक्शन साइड से, और ये देखो ये बुक भी आप पढ़ सकते हो, पता नहीं कैसा होता है वाला है। और ये साइड देख लो यार गाइस, अभी पीछे जो मेरे पेड़ देख रहे हो, यहीं पे स्वामी जी बैठते थे और अपने जो विजिटर लोग आते थे उनसे मीट करते थे, उनको देखते थे यार। बहुत ही पुराना पेड़ है गाइस, यहाँ पे देख तो ये जो पेड़ है, और नीचे यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आगे तरफ ये जो टेम्पल देख रहे हो, ये पुराना टेम्पल श्री रामकृष्ण जी का,
और यहाँ पे लिखा भी हुआ है देख सकते हो। कंटेनर में पानी भरते हैं जो कि गंगा पानी बहुत काम आता है पूजा करने के लिए। गाइस ये रहा, यहाँ से भरेंगे अभी हम लोग। In monastery, we sometimes have to discipline monks and brahmacharis because of various reasons. That is, in an organization, it is there. So we want to discipline a brahmachari or sending mount. So yeah. गाइस मेन मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही लंबा लाइन है, अभी एक से डेढ़ घंटा आराम से लगने वाला है। तो कुछ और उपाय खोजते हैं, कहीं और चलते हैं, यहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे, बहुत लंबा लाइन है देख सकते हो। वहाँ से पूरा लाइन स्टार्ट होकर उस साइड से पूरा घूम के आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार मेन मंदिर में। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग ऐसे निकलने वाले हैं, यहाँ पे मेन गेट है गाइस, बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग यहाँ पे आराम से आके घूम सकते हो यार, यहाँ पे प्रे कर सकते हो। ये रहा मेन गेट, अभी हम लोग यहाँ पे बाहर निकल के जाएंगे कार से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट अंकित को लाने के लिए क्योंकि वो रांची से आने वाला है, उसका फ्लाइट का टाइम हो चुका है अभी, यहाँ से भी नहीं हम 10 मिनट लगेगा जाने के लिए एयरपोर्ट। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं और अंकित को भी दिखाएंगे, फिर फुल मस्ती करेंगे यार। फाइनली अपन लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अभी मेरे पापा गए हैं नीचे अंकित को लाने के लिए क्योंकि अंकित गाइस अकेला आ रहा है रांची से, तो इसलिए उसको पता नहीं है। तो मेरे पापा गए, अभी टाइम भी हो चुका है गाइस, प्लेन जो है लैंड हो चुका है, तो अभी आने वाला, जैसे आएगा मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। सो गाइस यहां पे रुके हुए देख सकते हो और 5 मिनट हो चुका, अभी तक कोई आया नहीं। फाइनली अंकित यहां पे आ चुका है एयरपोर्ट से, तो कैसा लगा तेरा जर्नी, क्या मजा आया जर्नी में? तो गाइस यहां पे आ चुका है, देख सकते हो पीछे एयरपोर्ट है और अकेला है, लौंडा अकेला है भाई, मजा आया। और यहां पे देख सकते हो ये क्या है, सोलो का कार्ड। कैसे सोलो का कार्ड है? और तू कहाँ पे वेट करना पड़ा था तेरे को? मुझे बैठना पड़ा था फोर्थ था और मुझे एफ वाले में बैठना था। अच्छा, तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। बोल चलो कि कैमन तुम्हारा फ्लाइट ठीक भालो चलो। गाइस फाइनली अपने यहां पे अंकित को पिकअप कर लिया है, और कैसा लगा तेरा अपना पहला सोलो ट्रिप भाई? बहुत अच्छा था। और तेरा कोलकाता में आके कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कल हम लोग जाने वाले हैं एक्वाटिका। तो गाइस कल हम लोग एक्वाटिका जाने वाले हैं, तो उसका भी ब्लॉग आने वाला है, तो उसको भी देखिएगा। तो अंकित ब्रो कैसा मजा आया? गाइस ये आते थे कोलकाता देख रहा था, इसको कोलकाता बहुत ही ज्यादा खूब लगा, और सबवे भी है क्या यहाँ पे? हाँ भाई। फुल मजे यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 8th फ्लोर में, और वहाँ पे लकी भैया भी होंगे। सो गाइस फाइनली अपन लोग फ्लैट के अंदर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अंकित भी हमारे साथ है। और अंकित हम लोग कल जाने वाले सुबह सुबह एक्वाटिका, 10 बजे हम लोग ऐसे निकलने वाले हैं, तो ये पैकिंग भी करके आया ना, जो भी जो पैंट्स हाँ। जो भी चीज चाहिए था हाँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पास बैग में सब कुछ है। ये क्या है भाई? ये पैंट है गाइस, ये पैंट है, ये पैंट हम लोग पहन के आने वाले हैं। और शर्ट भी है अंदर, ये शर्ट भी लाए तो पूरा अपन को दिखाएंगे। ये रहा ये शर्ट, ये पहन के जाएंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग को रिपीट करते हैं, होप करता आपके ब्लॉग एंजॉय किए होंगे। अगर ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के तरफ, तब तक के लिए टाटा गाइस।